हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल की सहायता से अनलिमिटेड इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। कितनी भी इमेज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम एक इमेज डाउनलोड करके देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारी इमेज डाउनलोड करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को इम्पोर्ट करना है रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के बाद आपको, ये पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं होता, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल में आएंगे हम लोग, और टर्मिनल में क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल, सिंपली लिखेंगे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट लिखने के बाद ये आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी ऑलरेडी है, तो इसीलिए बता रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो आप लोग के नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली अभी के लिए इसको काटता हूँ, और यहाँ पास आपको फंक्शन लिख के बताता हूँ। फंक्शन लिखने के बाद आपको क्या करना है, फंक्शन लिखना है, फंक्शन डाउनलोड डाउनलोड img, इसी नाम से बना देता हूँ। और यहाँ पास url देंगे। url देने के बाद सबसे पहले यहाँ पास आपको पास कर देता हूँ अभी के लिए। नीचे आके हम लोग इसको रन करेंगे, if name equals to main। इसमें आके हम लोग url दे देंगे, url equals to url रहेगा हमारा, और फंक्शन को रन कर देंगे डाउनलोड इमेज url। इतना करने के बाद हम लोग url लाएंगे। url लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में जाएंगे। तो ब्राउजर में जाने के बाद मैं यहाँ पास सिंपली क्या करता हूँ, इमेज लिख देता हूँ। इमेज लिखने के बाद यहाँ कोई सी भी एक इमेज लाता हूँ यहाँ पास, जैसे कि ये वाली लाता हूँ। तो ये वाली लाने के लिए हम लोग को, ये आ गई हमारी इमेज, इसको कॉपी कर लेता हूँ पाथ इसका। कॉपी इमेज लिंक पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ पास आएंगे url पे पेस्ट कर देंगे। url में आके पेस्ट कर देंगे इसको, और पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पास फिर हम लोग डाउनलोडिंग का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले response equals to request dot get, फेच करेंगे url को जो हमने img का url दिया, तो url लिख देंगे। और नीचे आएंगे, हमारा रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या करता है कि फेच करता है इसको, डायरेक्ट इसको हिट करता है, इसी इमेज का लिंक दिया है इसी को हिट करेगा, और फिर हम इसको डाउनलोड करने का कोड लिखेंगे। तो लिखता हूँ सीधा ओपन, फाइल नेम दे देता हूँ, जैसे कि इमेज ही दे देता हूँ, इमेज डॉट jpg, jpg फाइल रहेगी। और पहला ओपन फंक्शन क्या करता है कि ये पहला एक फाइल नेम लेता है, दूसरा मतलब सेकेंड में क्या लेता है कि ये मोड लेता है, जैसे किस मोड में आप लोग करना चाहते हैं। तो इसको ओपन डब्ल्यू बाइनरी, डब्ल्यू मतलब राइट, बी मतलब बाइनरी, डब्ल्यू मतलब राइट, राइट कर देगा इमेज को एक बाइनरी में। तो यही होता है, हम लोग बाइनरी नहीं लगाएंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, बट जो इमेज थ्रो करेगा इमेज नहीं दिखेगा हम लोग को। और इसी के डॉट लगा के हम लोग राइट कर देंगे यहीं पास, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। इतना करने के बाद ये हमारी इमेज डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड हो जाएगी बट हमें यहीं पास दिख जाएगा। तो हम नीचे क्या करते हैं कि एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, जब हमारा कोड चल जाएगा मतलब फिनिश हो जाएगा तो डन दिखाएगा। तो डाउनलोडिंग डन। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको रन करके देखेंगे सिंपली, क्या डाउनलोडिंग क्या हुआ, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, अब सही है। इसको रन करके देखता हूँ क्या आता है हमारा प्रोग्राम, क्या थ्रो करता है। ये देखो हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है, डाउनलोडिंग डन, ये बताया इसने डाउनलोडिंग डन। अब मैं इसको यहाँ पास इमेज इमेज को दिखाता हूँ आपको, इमेज हो गई हमारी डाउनलोड। ये देखो हमारी इमेज आ चुकी है, हम लोग इमेज को, एक इमेज को डाउनलोड करना सीख गए। बट हमको क्या चाहिए कि बहुत सारी इमेज इसी फंक्शन में लिख के हम लोग कर सकते हैं। आप लोग अभी कर सकते हैं, बट आप लोग दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं, जैसे कि करते हैं अभी। ये क्या हुआ, डाउनलोड थोड़ा गलती हो गई, तो बट अब सही है। अब हमें क्या करना है, डाउनलोडिंग का फंक्शन, तो मैं इसको सिंपली काट देता हूँ, फिर से लिख के दिखाता हूँ आप लोग को प्रोग्राम। नहीं, क्या करता हूँ कि काटता नहीं हूँ, इसी में लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास फाइल नेम दे देता हूँ, सबसे पहले फाइल नेम दे देंगे। फाइल नेम देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पास जो मैंने img दिया है, तो यहाँ पास नेम जो फाइल नेम रहेगा, तो फाइल नेम कर देता हूँ, फाइल नेम कर देता हूँ यहाँ पास
एफ स्ट्रिंग में दे देता हूँ, और यहाँ पास img 1 2 3 4 ऐसे आएगा। तो ऐसे आने के बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पास भी लगा देता हूँ एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पास हमें दिखेगा कितनी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, फाइल नेम बोलेगा डाउनलोडिंग डन फाइल नेम ऐसे। तो यहाँ पास हमको फाइल नेम देनी पड़ेगी। फाइल नेम देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे, फॉर फाइल इन रेन, ने रेन दे देंगे, जितने भी आप रेन दे देंगे उतनी फाइल ये डाउनलोड करके देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पास अभी सिंपल रखता हूँ, 10 करता हूँ, तो 10 इमेज डाउनलोड करता हूँ। इसको डाउनलोड फंक्शन को इसके अंदर कर देता हूँ, फॉर लूप के अंदर। इंडेंटेशन आपको ध्यान रखना है मतलब इसको, और यहाँ पास फाइल दे देता हूँ फाइल नेम की फाइल। अब हम लोग इसको जैसे ही रन करेंगे वैसे, बट ये यूआरएल क्या है कि ये एक ही इमेज है, तो बट हमको चाहिए कि रैंडमली इमेज आए। तो रैंडम इमेज लाने के लिए हम लोग को क्या करना है कि ब्राउजर में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पास सिंपली सर्च करेंगे रैंडम इमेज यूआरएल। इतना सर्च करने के बाद आपको ये वाली वेबसाइट दिखेगी, और इसको लॉरेम टिक्सोम नाम से है, इसको आप लोग इस पर जा सकते हैं। और इस पर जाने के बाद आपको ये क्या करता है कि रैंडमली इमेज जनरेट करके देता है। जैसे कि मैं यहाँ पास इस लिंक पर क्लिक करूँगा, जितनी बार क्लिक करूँगा ये अलग अलग इमेज हमको जनरेट करके देगा। ये देखना, अभी एक इमेज, दो इमेज, दूसरी अलग जनरेट किया, तीसरी इमेज अलग जनरेट किया, जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार ये अलग अलग इमेज जनरेट करके देगा। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को, और यहाँ पास आने के बाद यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जितनी बार फंक्शन रन होगा, मतलब 10 लेन दिया, तो 10 लेन तक ये क्या करेगा, तो इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसका रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा दूंगा, ये 1200 कर दूंगा, इसका 1300 कर दूंगा। और इतना करने के बाद जैसे ही हम इसको रन करेंगे, तो हमारी यहाँ पास देखना आप लोग फाइल वो हो जाएगी, मतलब बहुत सारी इमेज फाइल बन जाएगी। तो इसको रन किया मैंने, और रन करने के बाद आप लोग यहाँ देखना भी, ये डाउनलोड 0 डन हो गई, डाउनलोडिंग 0 डन, डाउनलोडिंग डन 1, डाउनलोडिंग डन 2 3, इस तरह ये होती जाएगी। और जब चार जितनी भी 10 की 10 इमेज फेंक देगा, जब सारी इमेज यहाँ पास हम लोग की आ जाएंगे, तो वेट करते हैं इसका। ये रिजोल्यूशन मैंने बढ़ा दिया इसीलिए इतना टाइम लगा रहा है, बट इसको टाइम रेजुलेशन उतने में ही करता तो हो जाती है। अब तक ये देखो 9 तक गया, 0 से स्टार्ट किया, 9 तक गया इसने, और इसको काटते हैं। यहाँ पास देखो आप लोग 10 इमेज हम लोग की डाउनलोड होके रेडी हो गई। ये फर्स्ट इमेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। वाह, क्या इमेज जनरेट करके दिया दे रहा है यार, हाई रेजोल्यूशन में दे रहा है, कितनी मस्त फोटो दे रहा है। तो आप लोग इतना कर सकते हो, तो ये फंक्शन आप लोग जरूर लिख कर ट्राई करना। और बहुत सारी इमेज आप लोग कितनी भी इमेज डाउनलोड करके कर सकते हैं। मैं 50 करके देखता हूँ, 50 इमेज डाउनलोड करता है कि नहीं करता, और इनको सबको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, इनको सबसे पहले सबको डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद इसको रन करता हूँ, फिर देखता हूँ कितनी इमेज ये फेंकता है कि नहीं फेंकता। तो डाउनलोड कर देगा वो यार, ये कंप्यूटर कोई दिक्कत होने वाली है नहीं इसको, कहीं भी इरर थ्रो करेगा तो बताएगा क्या होगा आपका, तो बताएगा। बट अभी के लिए इसको थोड़ा मैं रेजोल्यूशन उसका कम कर देता हूँ कि ये थोड़ा समय नहीं लगाएगा, तो 200 300 सही है। और इसको रन करके देखता हूँ, और जैसे ही मैंने रन किया, फर्स्ट डाउनलोड हो गई, सेकेंड डाउनलोड हो गई, थर्ड डाउनलोड हो गई, फोर्थ डाउनलोड हो गई, फिफ्थ हो गई। आप लोग को बता दूं कि एक और सोर्स कोड आप लोग को कमेंट में मिल जाएगा नीचे, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग लिख भी सकते हैं, क्या जरूरी थोड़े ना है कि आप लोग को कोड भी प्रोवाइड करना पड़े, खुद से करेंगे जब भी तो आप लोग सीख पाएंगे नहीं ऐसे, तो कोड आप लोग एक्सेस ही कर सकते हैं। ये देखो 17 इमेज फेच कर दिए इसने, डाउनलोड कर दिए 20 इमेज डाउनलोड कर दिए, ये सारी इमेज जब हो जाएगी यहाँ पास आ जाएंगी। आप लोग को देखना ये पाइचम में है, वीएस कोड में अब तक यहाँ पास आती रहती सीधा, मतलब जैसे जैसे डाउनलोड होती है वैसे वैसे आती है। पाइचम में पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है,
बट ये 50 इमेज फेंक देगा आप लोग को। इसने 30 इमेज जनरेट कर दी है, डाउनलोड कर दी है यहाँ पास। आप लोग इसको ट्राई करना, बहुत मतलब रिक्वेस्ट मॉड्यूल की सहायता से क्या बताऊँ, आप लोग इसको पैरेलल बहुत जल्दी सभी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मल्टी थ्रेडिंग मॉड्यूल का यूज़ करके पाइथन में। तो आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा उसमें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही। और इस इमेज को देख लेते हैं कैसे डाउनलोड किया कि नहीं किया पूरी इमेज। ये देखो इसने पूरी इमेज जनरेट कर की है, आप लोग देख सकते हैं 50 इमेज इसने जनरेट करके फेंक दिया। जैसे मैंने फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, कितनी भी इमेज आप लोग दे दो, इसकी रेंज बस दे दो, आप लोग को ये डाउनलोड करके दे देगा। वो भी हर बार अलग अलग इमेज डाउनलोड करके देगा आप लोग को, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस कोड को आप लोग ट्राई आउट जरूर करना। और आज अभी के लिए इतना ही गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।